मेरी होने वाली भाभी मेरी मम्मी से बात करके बहुत ज्यादा खुश है। कहां से मेरी मम्मी कही है कि बेटा हम तुमको बहू नहीं अपने घर की बेटी बना के रखेंगे। ए भाभी सुनो, खुश बाद में हो ना, पहले बेटी से तो पूछ लो उसको कैसे रखती हैं। मैं बताती हूँ, ये हमें सुबह 4 बजे उठा देती हैं। हाँ, फिर झाड़ू पोछा बर्तन सब करने के बाद ये लोग का खाना बनाना पड़ता है मुझे। खाना बनाने के बाद ये लोग खा लेते हैं, उसके बाद मैं फिर किचन में जाती हूँ वो बर्तन वर्तन साफ करने के लिए। तो ये लोग दोपहर में सोने चले जाते हैं, ठीक। तो जब तक ये लोग सोते हैं तब तक मैं किचन का काम खत्म करती हूँ, खाना पीना सब खाली करके बर्तन धुलती हूँ। उसके बाद ना भाभी, किचन बर्तन सबका साफ करने के बाद ये उठ जाते हैं, शाम हो जाती है ना उतने में ये उठ जाते हैं। फिर इनके लिए मैं नाश्ता बनाती हूँ, ये लोग नाश्ता करते हैं। अभी मैं किचन से बाहर नहीं निकलती, नहीं किचन से बाहर नहीं, वही नाश्ता बनाती हूँ। नाश्ता बना के लोग को दूंगी, ये लोग खाने पीने के बाद फिर घूमने चले जाएंगे। अभी मैं पूरा नाश्ते का बर्तन धुली रही थी तब तक हो गया डिनर का टाइम। तो मैं वही किचन में ही पहले तुरंत डिनर पे लग जाती हूँ। डिनर बनाने के बाद इन लोग खिलाने पिलाने के बाद ये लोग खा पी कर फिर सोने चले जाते और फिर मैं बर्तन धुलती हूँ। ये लोग सो रहे हैं, फिर मैं बर्तन धुल रही हूँ। फिर मुझे ये करते करते 11-12 बज जाता है भाभी। तो ऐसे ही रखना है आपको भी, मेरी मम्मी को बेटी कमी महसूस मत होने दीजिएगा। आइए वेलकम भाभी, आइए आइए वेलकम। यार तू समझ यार, मैं तेरे साथ रिलेशनशिप में नहीं आ सकता यार। यार क्या कमी है निखिल मुझ में? कमी नहीं है तुझ में। तो मैं तुझे बहुत प्यार करूंगी, तेरी बहुत केयर करूंगी यार। अरे यार मैं ये मैं तेरी फैमिली को भी बहुत प्यार करूंगी, बहुत केयर करूंगी उनकी। यार, यार ये सब तो मुझे और भी लड़की दे सकती है यार, मुझे तो ऐसी चाहिए जो मुझे उधार दे सके। मैं गिरा होया बंदा जमा नीच बल्ली। अच्छा चॉकलेट खाओगी, आइसक्रीम खाओगी, बिस्किट खाओगी, कॉफी पियोगी, तो क्या खाओगी? चलो आइसक्रीम ला दो, दो पैसे। मैं गिरा होया बंदा जमा नीच बल्ली। तुम्हें पता है महादेव की सीरियल में जो पार्वती का रोल प्ले करती है एक्ट्रेस, उसकी भी शादी हो गई। प्रियंका ने तो अपने जिम वाले के साथ शादी कर ली, और रोहित ने भी शादी कर ली, और ऋतिक ने भी शादी कर ली। तूने अपने घर पे मेरे बारे में बात कर ली? नहीं नहीं कर ली तो बताओ ना, मिलवाओ ना इस दामाद को उसके सास ससुर से। ओ तुम तो कैसे बात कर सकती हो, मेरी तो अभी गवर्नमेंट जॉब लगी नहीं है, और तेरे तो पापा मानेंगे भी नहीं। तो बेटा सुन लियो, मेरी भी मम्मी नहीं मानेगी थी मेरी नौकरी लग गई तो, और भाऊ बोलने वाले ना एक भी गुण नहीं दिखते तेरे अंदर, उनको भी ना भाऊ भी नौकरी लगौड़ी चाहिए। इधर से घर वालों ने, दुनिया वालों ने, रिश्तेदारों ने पहले शादी और नौकरी का कम प्रेशर कर रखा है, जो तू भी शादी शादी का राग लाप के मेरा माता खा रही है। अरे बस एक बार और शादी शब्द बोला ना तो दहेज में फॉर्च्यूनर ले लूंगा मैं। और ये जो लोग ये ब्याह करते फिर रहे ना, इन सबका तो ना माथा खिसक गया है। जिस दिन मेरा भी खिसक जाएगा ना मैं भी कर लूंगा शादी, ठीक है? अब जाके ना कुमचिन तैयारी कर, बकवास मत कर, शादी शादी। ए काकी हो तुम, काकी हो तुम? काकी है क्या, जन्म लियो तुम, जन्मदिन बिस्की है, हैप्पी बर्थडे लिखे। हाँ पहले तो हमसे ब्रेकअप की, फिर इंस्टाग्राम से लेके कबूतर वाला ऐप तक सब जगह से हमको ब्लॉक कर दी। फिर 9 महीने बाद हम जब मूव ऑन करने का हिम्मत जुटा लिए तो तुम हमारे साथ हैप्पी बर्थडे टू यू कर रही हो। अब बर्थडे विश भी नहीं कर सकते? बर्थडे विश नागिन के मुंह से केवल जहर का विश निकलता है, ये बर्थडे विश नहीं। हमको सब कुछ समझ आ रहा है, तुम चाहती ही नहीं हो कि हमारा मूव ऑन हो जाए। हम सुनो ना, तुम हमको बर्थडे विश की हो तो इसका मतलब तुम भी हमारे लिए तड़प रही हो ना, हम भी तड़प रहे, तुम भी तड़प रही हो, चलो ना दोनों से तड़प, मतलब फिर से गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन जाते हैं ना। कुछ हो तड़प वड़प नहीं है, ठीक है, बर्थडे विश किए हैं बस। हाँ इंसान होने के नाते, बस इंसान होने के नाते, ठीक है। तो फिर सुन लो ओ इंसान, हम भी अब मूव ऑन करेंगे, हम भी नई सेटिंग करेंगे अब। और जे तुम हमारी सेटिंग होने के बाद हमको कछु मैसेज की, जे तुम हमारी सेटिंग होने के बाद हमारे साथ कछु हरकत करके हमारी सेटिंग खराब की है, तो हम सच्ची कह रहे हैं, हम ना तुम हमारे पेट में घुसंड मार देंगे हम। इंसान निखिल। हाँ अभी मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ, कल को मैं तुम्हारी बीवी बन जाऊंगी, तो तुम्हें क्या लगता है मुझमें क्या ही फर्क आ जाएगा? अब जितना मैंने लड़कियों को गर्लफ्रेंड से बीवी बनते देखा है, लगभग 10-15 किलो का तो फर्क आ ही जाता है।